मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। ये देखो खतरों के खिलाड़ी फूड फैम, वहाँ पर ना एलिफेंट है। हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर एंड वी आर नॉट सपोज टू स्विच ऑन द लाइट एंड एवरीथिंग एंड द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग क्योंकि मैंने शैडो देखा एलिफेंट का। और कहाँ जगह डेड एंड है, कुछ लोग तो खड़े हैं मॉन्क। फैम फ्रॉम गोपालपुर बीच वी हैव कम टू जिरांग। जो भी मैंने रिसर्च किया था एज पर गूगल बाबा, उससे पता चला था कि मॉनेस्ट्री में यू नो यू कैन गो एंड स्टे एंड इट्स ओपन टिल 12 AM। एंड जो भी था इन्फॉर्मेशन, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन था, कुछ हम मिसलीड हो गए, ठीक से किया नहीं हमने, प्री बुक किया नहीं। सो अभी बज रहे 11 एंड वी रीच दिस प्लेस एंड मॉनेस्ट्री वॉज क्लोज। मॉनेस्ट्री 9 से 12 बजे तक खुलता है उसके बाद। एंड अगर आपको रहना भी मॉनेस्ट्री में एज अ गेस्ट और एज अ टूरिस्ट, तो आपको प्री बुक करना पड़ेगा। सो वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एंड वी वर जस्ट रिटर्निंग बैक। लकीली थैंकफुली वी गॉट अ फैमिली, अ टिबेटन फैमिली हु हेल्प्ड अस थ्रू विद एवरीथिंग। उन्होंने दो चार जगह कॉल लगाया, दे ट्राई टू अरेंज अस अकोमोडेशन कि हमारा रात निकल जाए, बिकॉज ऑल द वे हम लोग 3 घंटा ड्राइव करके आए हैं फ्रॉम गोपालपुर बीच से लेके यहाँ पर, एंड वापस जाना इट्स लाइक वेस्ट। इस टाइम पे रात का 11:30 बज रहा है, अभी मिल गया रहने के लिए। सो यस, अभी मैं जाती हूँ, मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। सो दिस इज चंदीगिरी एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जिरांगा विच इज द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री अप देयर। लाइक मॉर्निंग में इट वॉज लाइक वेरी ग्रीनरी ऑल अराउंड, बिकॉज रात को इतना अंधेरा था कुछ भी नहीं पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था किसी हॉन्टेड प्लेस पे आ गए। बट ये अभी बज रहे हैं 9 एंड 9 से 12 बजे तक मॉनेस्ट्री खुला रहता है। सब देख सकते हैं देयर इज दिस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री विच लुक्स सो ब्यूटीफुल। बिट्टू भैया से इसकी लग रहा है शाओलिन टेम्पल, शाओलिन टेम्पल, शाओलिन टेम्पल, शाओलिन, शाओलिन टेम्पल, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड, हाउ एक्साइटेड यू आर? बहुत। इनफैक्ट यू कैन सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड, सो ब्यूटीफुल, लाइक आई कांट टेल यू, उड़ीसा इज सो ब्यूटीफुल, रोड्स आर सो गुड, सो मच ऑफ यू नो अनडिस्कवर्ड चीज, इतने आपको इतना अच्छा लगेगा ना, यू विल बी सरप्राइज विद द रोड्स, विद द पीपल, विद द फूड, विद एवरीथिंग। अभी तक का मेरा जर्नी, मेरा ये थर्ड डे है, आई एम रियली एंजॉइंग दिस जर्नी। भुट्टा, कितना भुट्टा, कितना भुट्टा है, भुट्टा का खेती होता है यहाँ पर। कितनी सारी गायें हैं यहाँ पर। बेसिकली दिस इज स्टूपा एंड मॉनेस्ट्री आ गए, वहाँ पर हम लोग बाद में जाएंगे जल लगा के। ओडिशा में कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने को मिलेगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आपको एक फन फैक्ट बताऊं, ट्रैवलिंग से पहले हम काफी प्लानिंग करते हैं, आइटिनरी बनाते हैं। मेरे जो जितने भी प्लानिंग्स हैं सब प्रॉपरली 100% कभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, बट उस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के चक्कर में मैंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया डिस्कवर किया है। सो फाइनली वी हैव रीच द मॉनेस्ट्री, काफी बड़ा है। यहाँ पर हम लोग का रहने का प्लान था रात को, बट नहीं रह पाए बिकॉज प्री बुक नहीं था। तो घूमना तो हो गया फूड फैम, नाउ बात आती है खाने की। सो खाने में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रीपा कैंटीन है और यहाँ पर एक रीपा फास्ट फूड है। ये ठीक मॉनेस्ट्री के मॉनेस्ट्री वाले लोकेशन पे ही है। अगर आप चाहो तो अगर आपको टिबेटन अगरबत्ती और कुछ एसेंस चाहिए या कुछ भी यू नो स्टफ चाहिए, यू कैन गेट ऑल द टिबेटन स्टफ्स ऑफ हियर। स्तूपा के ठीक बाजू में भी छोटे मोटे छोटे से स्टॉल्स भी थे जहाँ पर आपको छोले भटूरे पूरी सब्जी एंड ऑल भी मिल जाएंगे। बट वी गोना ईट एट द लोटस व्यू रेस्टोरेंट। Are you excited to eat momo thukpa? बहुत ज़्यादा, वेट नहीं हो रहा। Ting mo, momo, thukpa, alu bale, laughing, emadatsi, laughing होगा, laughing होगा, emadatsi नहीं होगा, तो alu bale होगा, तो आप दही दे दीजिए, momo, veg is all veg, oh wow, very good news for all the vegetarian food fam, lotus view restaurant is
प्योरली वेज। फाइनली मेरा खाना आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर दिस इज आलू बल्ले। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट दिस इज आलू बल्ले। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक आलू भुजिया या मीमी भुजिया समथिंग, ऐसा कुछ होगा, बट दिस इज लाइक शाफले। एंड यहाँ पर वी हैव गॉट चाउमीन। हाउएवर वी ऑर्डर थुक्पा, बट चाउमीन भी आ गया बिकॉज शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था। बट ये देख के इतना टेम्पटिंग लग रहा था दैट आई हैड टू ईट इट। एंड वी ऑल्सो हैव गॉट मोमोज एंड वेज मोमोज लुक सो 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 टेम्पटिंग। सो मोमोज आ गया एंड थुक्पा इज येट टू कम। आई थिंक वो लोग थुक्पा बना रहा होगा तो उन लोगों को टाइम लगेगा। तो चलो मैं पहले इसी को खाना स्टार्ट करती हूँ। एक चीज़ बता दो, दिस इज लुकिंग सो ट्रांसलूसेंट। मेरे को ना यहाँ से दूर से इसके अंदर जो ग्रीन कलर्स है, कैरेट का ऑरेंज कलर है, वो ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन एक्चुअली सी ग्रीन एंड ऑरेंज कलर। ये दिस इज सो ट्रांसलूसेंट। वो लुक एट इट, सो ब्यूटिफुल। सो दिस कैबेज, दिस ग्रीन अनियन, दिस कैरेट एंड सो फाइनली चॉप्ड। लेट्स ईट दिस विद द चटनी। वाओ, ओ माई गॉड, थैंक यू उड़ीसा फॉर दिस, फॉर एंड थैंक यू लोटस व्यू रेस्टोरेंट फॉर दिस लवली फूड। द वेजेज आर सो क्रंची, द चटनी इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर। यू नो द वेजेज आर हाफ कुक्ड, इट्स टेस्टिंग हाफ रॉ एंड हाफ कुक्ड। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्रंच ऑफ द कैबेज एंड द कैरेट। इट्स वेरी सिंपल, अंदर से सॉल्ट पेपर का टेस्ट है लेकिन चटनी के साथ इसका जायका बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, द एम्बियंस, द व्यू, द पीस इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू द टेस्ट। दिस इज सो कम्फर्टिंग। अंदर एक बहुत ही प्यारा स्टीमी ऑयल होता है ना, वो ऊज आउट हुआ जैसे मैंने बाइट लिया। माई गॉड, मस्ट विजिट। बहुत माइल्ड टेस्ट है बट बहुत कम्फर्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सोलफुल टेस्ट है। वन द बेस्ट इज वेज मोमोज। थैंक यू। Finally got my thukpa. I love this. First, eat the thukpa because thukpa का जो सूप है ना वो बहुत ड्रेन हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेरी नाइस एंड द नूडल्स आर वेरी थिक। इसके अंदर कैबेज है, पॉक चॉय है, कैरेट है, अनियन है एंड देयर इज नथिंग एल्स। एंड इसका जो थुक्पा का जो सूप है, दिस लुक्स थोड़ा सा, आई थिंक इसमें रेड चिली ऑयल डाला हुआ है समथिंग। लाइक द कलर इज़ वेरी प्रिटी, लाइक थोड़ा सैफ्रॉन कलर का है एंड यू नो कलर बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज ये जो नूडल्स है ना, दिस आर लिटिल हल्का सा लाइट येलोइश कलर एंड उसके ऊपर ये ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट एंड पर्पल कलर ऑफ द कैबेज लुक सुपर डिलीशियस। सो आई थिंक आई वी शुड जस्ट डिग इन नाउ। आई टेस्ट द सूप फर्स्ट। ओह वाओ, हल्का मैगी मसाला का टेस्ट आ रहा है इसमें। माइल्ड स्पाइस, वेरी माइल्ड स्पाइस, ब्रॉथी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा लग रहा है इसमें हल्का सा मैगी मसाला किसी ने डाला होगा, हल्का सा। वेरी स्लर्पी नूडल्स, द नूडल्स आर थिक बट स्टिल देयर इज अ वेरी नाइस फ्लेवर, इट्स नॉट चुई। नॉर्मली क्या होता है जब मोटे नूडल्स होते हैं ना तो बहुत चुई होता है और उसके अंदर ना फ्लेवर्स नहीं होते, नूडल्स बहुत ब्लैंड होते हैं, इट टेस्ट वेरी डोई एंड। बट हाउ एवर इनके नूडल्स ऐसे नहीं है, इट्स थिक एंड आप देखो उसका कलर भी डिफरेंट है। आई थिंक दिस आर हैंडमेड पुल नूडल्स और सो। एंड जो थुक्पा का जो सूप है ना वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज्ड हो गया है इन टू द नूडल्स। सो व्हेन यू आर टेकिंग द बाइट एंड च्यूइंग द नूडल्स, सो देयर इज अ वेरी स्लाइट ऊज आउट ऑफ थुक्पा सूप फ्रॉम द नूडल्स। आई टेक दिस चटनी, दिस स्पाइसी चटनी, जस्ट टू ऐड अ स्पाइसी इफेक्ट बिकॉज ये बहुत माइल्ड स्पाइस है। The spicy chutney is very good, very good, very nice, very nice. और बिल्कुल हैवी फील नहीं हो रहा है, पता नूडल्स खा के भी, मतलब इतना मोटा नूडल्स है फिर भी
It's very light. Very light on the, matlab, very light on the tummy. It's very flavorful, very nice. Tasting very good. Noodles are very different in taste. अरे ये कहाँ से ले आया? मोमो कैसा था? मस्त। बर्न कैसा लगा? यहाँ पर जितने आइटम है ये सब 50 rupees only. Oh, 50 ही लिया? बहुत सस्ता है यार, वेरी सस्ता. सो अभी हम खाएंगे आलू भल्ले विच इज़ लाइक फाले. सो दिस लुक्स क्वाइट गुड. यू नो एवरीथिंग इज़ वेजिटेरियन अप हियर एंड येट इट इज़ सो डिलीशियस. एंड बेस्ट पार्ट यू नो क्या है, ये इसका प्राइस इज ओनली 50 जो भी आप ले रहे हो. ओके अंडरस्टैंड, इट्स बेसिकली आलू स्टफ्ड फाले. देयर इज आलू चोखा इनसाइड इट. जैसे हम लोग नॉर्मली फाले खाते हैं, जब चिकन फाले खाते हैं देयर इज मींस चिकन इनसाइड. वेज फाले खाते हैं तो वेजिटेरियन, मतलब यू नो मोमो का जो फीलिंग होता है जैसे कैबेज, वो सब मींस वेजिटेबल्स का फीलिंग रहता है. इसके अंदर आलू है. ओ माय गॉड. सो बेसिकली मेरे को लग रहा है आलू को लाल मिर्च से मैश किया हुआ है एंड थोड़ा सा प्याज डाला है हल्का सा. येस आई कैन सी हल्का ट्रांसलूसेंट अनियन पीसेस. येस लुक्स टेम्पटिंग. नाउ लेट्स टेक इट विद द चटनी. दिस एक्चुअली चटनी इज़ वेरी 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 गुड, वेरी गुड. God, I'm super excited to try this. It's something different. It's aloo chokha with wrapped in a dough. It's like, you know, aloo chokha patties. The outside crust is little crusty and this portion is doughy, but this is a soft doughy. And andar jab aap bite le rahe ho, so there's a very slight crunch of onion har ek bite mein. But the creaminess of potato is adding a lot of flavor. And with this red chutney, it is like adding a lot of delicious oomph to the overall taste. अगर मैं इसको like replica बताऊँ, sandwich खाते हम लोग toast, आलू का जो sandwich होता है जिसको toast करके खाते वैसा taste आ रहा है. Very nice. Now lastly we'll eat the veg hakka noodles. So basically इनके जो मेनू में 4-5 आइटम ही है जिसमें से हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खा लिया. सिर्फ हमने टिंग मोमो नहीं खाया, लाफिंग नहीं खाया और इमादादसी नहीं खाया. वैसे मेरा इमादादसी पहले खाया हुआ है. उसमें ना इमादादसी में ना एक बड़ा बड़ा ऐसे चिलीज दे दिया रहता है ग्रीन कलर का और रेड कलर का, जो इनका लोकल होम ग्रोन होता है. सो आई हैव ट्राइड. और उन इमादादसी में चीज़ भी डलता है, उनकी ग्रेवी में चीज़ डलती है. सो इट्स बेसिकली यू नो सेवरी चीज़ी स्पाइसी करी. तो वो मेरा खाया हुआ है बट हाउएवर अभी इधर नहीं है. आई वॉन्टेड टू ट्राई लाफिंग, वो नहीं है बट दैट्स ओके. इतना मिल गया यही काफ़ी है मेरे लिए. आई विल टेक इट विद द सॉस थोड़ा सा. बेटर देन द स्ट्रीट स्टाइल हक्का नूडल्स. थोड़ा ठंडा हो गया खाते खाते बट बहुत अच्छा लग रहा है. फ्लेवरफुल है, वेरी नाइस. सोया सॉस का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, मीठा मीठा, यू नो इट्स वेजिटेबल्स का भी क्रंच काफ़ी अच्छा आ रहा है. लेट्स ऐड द सॉस. चटनी को मिलाते हैं इसमें. ये जो चटनी है ना, ये पूरा ओवरऑल टेस्ट चेंजर है पूरा. इसको ऐड करने से पूरा टेस्ट अलग हो जाता है. बहुत अच्छा लग रहा है. इस डिश में बहुत ज़्यादा कैबेज दिया हुआ है. और पता है इसका ये जो रेड चटनी दिया हुआ है ना, रेड चिली चटनी, दिस इज़ डिफरेंट. इसमें ना कुछ बीट्स है. तो बेसिकली जो रेड चिली है, ड्राई रेड चिली, उसको सुखा के पेस्ट करके फिर बनाया गया. लिटिल टिबेट जब आए तो डेफिनेटली मार्क योर विजिट टू खासदा वाटरफॉल, जो बिल्कुल ही पास में है. सराउंडेड बाय ग्रीनरी ऑल अराउंड, इट माइट बी अ स्मॉल वाटरफॉल बट डेफिनेटली इट हैज अ सरियल एंड पीसफुल फीलिंग. ये देखो खतरों के खिलाड़ी. क्या डरपोक है इसमें भी भाई.